व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। आज जो वीडियो है ना, उसमें एक लड़की ने हद कर दी है। टाइटल यही है, इस लड़की ने तो हद ही कर दी। इफ दीज थिंग्स वर नॉट फिल्म्ड ऑन, किसी को विश्वास ही नहीं होता इन चीजों पे। तो मिस्टीरियस स्टोरीज टीवी, अमेजिंग चैनल, उनकी वीडियो लेके आया हम। ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में, और वीडियोस चेक आउट करना गाइस, और बताना किन पे आपको रिएक्शन। और ये हमारा गेमिंग चैनल, रात को 10 बजे इस पे हम लाइव होते हैं, डेली संडे नहीं आते हैं। अच्छा अच्छा, तो चलो शुरू करते हैं। वीडियो कैसी लगी बताना, सबसे खतरनाक पार्ट बताना वीडियो का। रेडी सेट एंड गो। कहते हैं इंसानों के द्वारा बनाई गई चीजों में से सबसे ज्यादा शानदार, सबसे यूजफुल कैमरा है। जी हां, कैमरे 24/7 कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करते ही रहते हैं, लिहाजा कभी कभी कैमरे कुछ ऐसी तस्वीरों को कैप्चर कर लेते हैं जो होते हैं थोड़ी हटकर, थोड़े अजीब, कुछ वाले मोमेंट्स होते हैं भैया। और उन अमेजिंग मोमेंट्स को देखकर हम हैरान रह जाते हैं। तो कॉट ऑन कैमरा पर अब तक 5 पार्ट बन चुके हैं, और अब आपकी डिमांड पर स्पेशल लेके आए इस सीरीज की एक और नई मजेदार वीडियो, मिस्टीरियस स्टोरीज टीवी प्रेजेंट। इवेंट में तैनात कुछ गार्ड ज्यादातर खड़ूस ही होते हैं, लेकिन डिसिप्लिन, लेकिन होते तो इंसान ही है ना। इसी गार्ड को देख लीजिए, पहले तो बहुत देर तक अपनी ड्यूटी कर रहा था, लेकिन जब ये लड़की लोग सामने से नाच रहे थे, मचल गया। अब लड़की के साथ नाचने लगे, और देखते ही देखते वहाँ खड़ा और गाद भी झूमने लग गए, और सीढ़ी वाला गाद एकदम सीधा खड़ा दिख रहा था, वही सबका हर था। अबे ओए चपड़ गंजू, और कभी हंस भी लिया करो मिस्टर खड़ूस। अगर आपको इनका डांस पसंद आया तो जल्दी से लाइक कर दो भाई। नेक्स्ट क्लिप में आपको ये कुर्सी हैरान कर देगी दोस्तों। ऊंचाई पर चढ़े इन लोगों ने जब कुर्सी के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया, तो फिर ये हुआ। किसने सोचा था कि ये कुर्सी ऐसा भी कमाल सीधी। अब ये वाला वीडियो देखिए, वीडियो एक चिड़ियाघर का है, जहाँ बायोलॉजिस्ट चिंपैंजी पर ड्रोन की मदद से नजर रख रहे थे, लेकिन यहाँ खेड़ा थोड़ा उल्टा पड़ गया। इनमें से एक चिंपांजी को अपनी प्राइवेसी में किसी का दखल अंदाजी पसंद नहीं थी, तो उसने ड्रोन को जमीन पर मार गया। सुन बे ससुरे, अब वापस ना आइए हमारा इलाका, समझे? या कबूतर भी एक पंख से उड़ता है, दूसरे से अपना इज्जत बचाता है। आ बड़ा ड्रोन। हमारा नेक्स्ट क्लिप तो आपको हैरानी कर देने वाला है ना दोस्तों। अगर आप भी ऑफिस में काम करते वक्त कुछ ऐसा देखने को मिल जाए आपको, तो आपकी हालत ही ना खराब हो जाएगी। आप सुन सकते हैं लोगों की आवाजें, जिससे पता चलता है ये सब डरे हुए। हालांकि आपको बता दें, ये वीडियो ऑस्ट्रेलिया में होने वाले के एयर परेड का है। कहते हैं भैया किस्मत से बड़ा कोई नहीं होता, अगर आप ये नहीं मानते तो इस वीडियो को देखकर आप कहेंगे कमेंटेटर की किस्मत अच्छी थी। ओए आइस हॉकी पक देखियो, बड़े से टकरा जाता, सोचिए क्या ही हो, बहुत तगड़ा लगता है। क्या आपको किस्मत पर यकीन है? कमेंट करके जरूर बताइए। बच गया आप, जरा इस शख्स को देखिए। ओह लगता है बॉलिंग में सुस्ताद को हरा पाना बिल्कुल मुश्किल है। इसे देखकर मानो ऐसा लग रहा है कि कोई ट्रिक आती है इसे। लगभग इसने 89 सेकंड में 300 पॉइंट बनाकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, और इस रिएक्शन को देखकर आप समझ सकते हैं कि इसने कितनी बड़ी बात कर दी। ग्रेट यार। ऑन टाइम। दोस्तों कहते हैं इंसान बुरे वक्त में साथ छोड़ देते हैं, लेकिन जानवर अपने दोस्तों के साथ नहीं छोड़ते। लेकिन इस वीडियो को देखकर आप क्या कहेंगे? इस काले रंग के कुत्ते ने देखिए क्या किया अपने दोस्त के साथ, लगा कि अपने दोस्त को बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन ये तो धोखेबाज है। देख आपने शादी को पानी में गिरा दिया। लगता है कुत्ते जितने शरीफ दिखते उतने होते टेंशन आलो। मेरे भी दोस्त ऐसे ही है, कॉमन है, अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम यहाँ पर डाल दिया। अच्छा मेढक की आवाज तो हर किसी ने सुनी होगी, लेकिन क्या आपने कभी जानवरों को गाते हुए देखा है? मतलब उस वक्त वो कैसे लगते होंगे, खुद ही देख लो भैया, हम क्या बताएं। अब आप सोच रहे होंगे ये कर क्या रहा है, तो जान लीजिए कि मेटिंग की प्रक्रिया में दूसरी मादा मेंढकों को रिझाने अच्छा अट्रैक्ट करने के लिए। और इमेजिन कीजिए कि जब एक जगह से हजारों मेंढक ऐसा करते हैं तो क्या होगा बॉस? कुछ सीखो यार उस डॉगी से, देखो कितनी मेहनत कर रहा है। अब तो मुझे शर्म आ गई यार, अब तो सच्ची में शर्म आ गई मुझे। रोज डॉग भी लगा हुआ, कह रहा भाई था मेहनत। वीडियो में दिख रहे आइलैंड पर आप जरा हॉर से देखिए, आपको इसमें कुछ अजीब लग रहा है? नहीं लग रहा, ध्यान से देखो भैया। जैसे जैसे वीडियो बनाने वाला पीछे की ओर जा रहा है, आइलैंड उतना ही करीब दिख रहा है। देख रही है ये कैसे और क्यों हो रहा है? कंफ्यूज्ड। हाँ, दूर भी लाखों का धोखा है।
पानी की लाइन आपको जितनी छोटी दिखेगी ना, उतनी दूर की चीज को आप खुद के करीब पाएंगे। पानी की लाइन जितनी, इधर कोई जानता है कि म्यूजिशियंस काफी कूल होते हैं, लेकिन ये ड्रामर कुछ ज्यादा ही कूल है। इसका नाम टॉमी ली है और इसकी खासियत क्या है आप खुद ही देख लीजिए। ये शख्स 360 डिग्री घूमते हुए भी ड्रम बजा सकता है, ऐसा शायद दुनिया में और कोई नहीं कर सकता है। हो सकता है कि कई लोगों को तो टॉमी के कॉन्सर्ट्स को देखकर रोलर कोस्टर याद आता होगा। टॉमी का अंदाज पसंद आया तो नए व्यूअर्स जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना यार। आपने टाइम लैप्स की बहुत सी वीडियोस देखी होगी, लेकिन ये वीडियो खास है। पहले पहले तो इस वीडियो में सिर्फ आपको एक नाव पानी मिलती हुई दिखाई देगी, लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद पता चलता है कि धीरे धीरे यह पानी कम हो रहा है दोस्तों, जिसकी वजह से लोग अपनी नाव को यहीं छोड़ देते हैं। बताया जाता है कि ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि नाव को कोई चुरा ना पाए। चीन के एक बाल में एक मशीन बनाई गई जहाँ पंजे की जगह बच्चों को लटका दिया जाता है, खिलौनों से भरे एक बड़े से बॉक्स में उन्हें डाला जाता है, बॉक्स के अंदर जिसमें से वो जो खिलौना निकालना चाहे निकाल ले। अब इस बच्चे को देख लीजिए, इसने इसमें से कई सारे स्नैक्स के पैकेट निकाल लिए। वाह बेटा वाह, मौज कर दी। अब आप खुद के साथ साथ अपने घर को भी अपने साथ शिफ्ट कर सकते हैं। हालांकि इसमें थोड़ा ज्यादा खर्चा लगता है, लेकिन कहते हैं ना यादों के आगे पैसे की कीमत थोड़ी कम हो जाती है। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है यार कि मतलब इतने बड़े घर को इस गाड़ी के ऊपर रखा कैसे गया, क्योंकि ये छोटी मोटी झोपड़ी तो नहीं रखो बल्कि दो मंजिला बड़ा सा घर है। एक अच्छी बात यह है कि इस घर में रहने वाले लोगों को नई जगह पर फिर से चीजों को शुरुआत से शुरू नहीं करना पड़ेगा। नहीं हाँ, ये इंटरनेट पर कई चंचल और शरारती बच्चों का वीडियो हमने देखा है, जिनके दिमाग में 24 घंटे बस खुराफात करने के नए नए आइडियाज आते रहते हैं। लेकिन अब जरा इस बच्चे के कारनामे देखिए। ये वीडियो चीन का है जहाँ एक साथ 36,000 बच्चे एक ही जगह पर प्रैक्टिस करते हैं। सारे बच्चे एक ही स्कूल के हैं और सभी कुंग फू सीख रहे हैं। ऐसे देखकर कोई भी हैरत में पड़ सकता है। ऐसे में इनमें से अगर कोई गलती से भी इनसे पंगा ले ले तो उसका क्या होगा भगवान ही जानता है। दोस्तों दुनिया में कुछ चीजें इतनी खूबसूरत होती है जिनका कोई जवाब नहीं होता। अब इन तस्वीरों को ही देख लीजिए। बीच में जमी हुई बर्फ, वहीं दोनों तरफ से दूध के जैसे सफेद पानी की बुछार भाई साहब, और उसके ऊपर इंद्रधनुष, ये सब मिलकर नियाग्रा फॉल्स में चार चांद लगा रहे हैं, है ना। ये झरना ऐसे भी बहुत खूबसूरत है भाई साहब, लेकिन इस साल कुछ और भी कमाल देखने को मिले। क्या हो गया? सर्दियों की वजह से झरने का बहुत सा हिस्सा बर्फ में तब्दील हो गया। ऐसा 2-4 सालों में एक बार ही होता है, और इसे देखने के लिए लोगों की काफी भीड़ लग जाती है। नियाग्रा फॉल्स है ना। यहाँ एक बात और जान लीजिए कि साल 1848 में झरना पूरे तरीके से जम गया था, जो कि इतिहास में पहली बार हुआ। 1848 स्विमिंग पूल कह सकते हैं कि इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे कमाल की चीजों में से। इसे लोग अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं, कोई इसे स्विमिंग के लिए इस्तेमाल करता है, तो वहीं कुछ इसके खेलने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और तो और पूल साइड पार्टी तो हर किसी को पसंद होती है, लेकिन अब स्विमिंग पूल का जो इस्तेमाल आप देखने वाले हैं वो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। क्या कर दिया? स्विमिंग पूल्स को आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर भी पानी भरने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अरे वाह। हालांकि ऐसा नजारा आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन जरा ये भी सोचिए कि कितना फायदा है ना, जहां पानी जब आग कहीं करीब में लगे। इस इगुआना को देखिए, जब उसने स्विमिंग पूल में बहुत सारे लोगों को एक समूह बनाकर बातें करते हुए देखा तूने, भाई भी चल दिया और ये उनके करीब चला गया उनकी बातें सुनने। जैसे उनके करीब पहुंचा हड़कंप मच गया, हर कोई चिल्लाता हुआ सुदूर भाग रहा था, जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। लोगों कह रहे यार दोस्त ग्रुप में शामिल कर ले, वाना बेचारा डर ही गया। आप इस लड़की को देखिए, जरा कमेंट में बताइए चल क्या रहा है। बातचीत चल रही है। आप जरा इन मोहतरमा से मिलिए और कारनामे देखिए जरा इनके। वाह, बटन टूट गया। अच्छा, वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों? अपना फीडबैक जरूर दें, और पसंद आया हो तो जल्दी से लाइक ठक दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। और चाहते हैं अगर इस वीडियो का अगला पार्ट देखना तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। अरे मिस्टर स्टोरीज टीवी अमेजिंग चैनल। और वो सबसे फनी पार्ट तेरे को कौन सा लगा? एक तो जो लास्ट वाला था, ये तो वो था ना, वो बटन। अब मुझे वो ड्रोन वाला अच्छा लगा। ड्रोन और चिंपैंजी आया लट लेके, चिंपैंजी कह रहा भाई साहब ये प्राइवेसी है। हमें तो लगता है सिर्फ इंसानी कलाकार है भाई, सब जानवर तो हमसे बड़े कलाकार है। वो डॉग देख ले, डॉग आया और बेचारा वो सोच रहा होगा यार मेरा दोस्त आगे बचाने के लिए। पर वो सख्त लौंडा निकला जो वो गार्ड था, सब नाच रहे थे, वो बंदी ने वो नहीं नाचा, टोपी लगा के बिल्कुल, उसे कहते हैं सख्त लौंडा। तो ऐसे खड़ा हो भाई साहब, हम नहीं हिलेंगे यहाँ से, हम ऐसे ही रहेंगे। वो लड़की वो रिकॉर्डिंग हो रही थी कैमरे पे और एकदम उसका बटन टूट गया ना, ज्यादा खा लेते करे पता लग गया इनको, ज्यादा ठोस लिया। लड़कियां वैसे ना ज्यादा खा भी लेती है ना, तो फिर भी सांस छोड़ के पेट को अंदर रखती है। हाँ। ना उससे होता क्या दोस्त, पेट है ढोलू है तुम्हारा। हम भी मतलब शादी वगैरह में जो खा लेते हैं ना, बहुत ज्यादा कुछ ऐसी हो जिसमें मतलब टमी दिख रहा है, ठीक है, तो ऐसे करके अंदर अंदर पेट कर लेंगे, ऐसे सांस छोड़ के बाहर। क्या तुम भी ऐसे कलाकार? और तुम्हें सबसे कलाकार कौन लगा? मेरी तरह
तेरी तरह जिम जाओ, इसके तरह मत जाना भाई, तभी तो पिछले दो साल से कहीं नहीं है, इसके तरह जाओ मत जाना, घर में रहता है पूरे दिन। अच्छा, अपनी बातें हम पर थोप रहे हैं। तो मस्त वीडियो लगी यार, आपको ऐसी ही वीडियो सर्च कर सकते हो तो प्लीज करा करो, अच्छा लगता है और वीडियोस देखने में मजा आता है। मतलब, कुछ नेक्स्ट चीजें मिलती है ना, कलाकार कितने धरते वो हेलीकॉप्टर, भाई साहब पानी ले गया उसके अंदर से हेलीकॉप्टर वाले सीन भी मस्त था वो, कि आसपास अगर लगे। लेकिन इंडिया में तो नॉर्मली ऐसे उड़ सकते, सिटीज में वहां पर अमेरिका इन सब जगह ना हेलीकॉप्टर उड़ना अलाउड है नॉर्मली, सिटी में ऐसे नॉर्मल उड़ते रहते हैं प्राइवेट भी, लेकिन इंडिया में तो यहाँ भाई साहब अगर प्राइवेट दो चार कर दिया ना, भारतीय लोग ऐसे हैं ईंट पत्थर बजा दे हैं इनसे, भाई नीचे या फिर ऐसे करते हैं अंकल वहां तक छोड़ो ना यार, किसका पत्थर लगेगा नहीं, अंकल यार एक बार गोल चक्कर जानता हूँ, छोड़ के आ जाओगे प्लीज, हेलीकॉप्टर ले जाए भाई, गलती हो गई। वीडियो मस्त थी, ओरिजिनल वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और जाके और वीडियो चेकआउट करो भाई की। मिलते हैं एक और धासू वीडियो के साथ, टिल देन बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।